Welcome to Tech Tutorials. Today we will draw orthographic views of CS bracket. So as you can see that in this figure, we have to draw the front view from arrow A, then we have to draw side view and then top view, but the projection will be third angle of projection. So hum start karte hain front view se. यहाँ पे अगर आप एरो ए से फ्रंट व्यू को विजुलाइज करें, ये जो आप लाइंस देख रहे हैं रेड कलर की, तो कुछ इस तरह की प्रोजेक्शन बनेगी. लेकिन ये लाइंस जो हैं सिर्फ समझाने के लिए हैं कि आप इसको देखें कि ये किस तरह से बनेगा. उसके बाद ये जो हाफ सर्कल वाला कर्व आप देख रहे हैं, इसको अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे फ्रंट व्यू में तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है. और उसके साथ होल्स भी हैं, लेकिन होल्स फ्रंट व्यू में होंगे लेकिन एज अ हिडन फीचर. एज यू हैव टू ड्रॉ दिस इन थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. सो ओके, लेट्स स्टार्ट ड्राइंग फ्रंट व्यू. आप देख रहे हैं कि एक स्मॉल सर्कल से दूसरे स्मॉल सर्कल तक तो जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो है 114, लेकिन यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इन सारी मेजरमेंट्स को कन्वर्ट करते हैं हम सेंटीमीटर में. तो मैंने इसको कंसिडर कर लिया 11.4 सेंटीमीटर. और इसमें ये जो बड़ा सर्कल आप देख रहे हैं, इसका रेडियस जो है क्या है 32, तो इसको हम कंसिडर कर रहे हैं 3.2 सेंटीमीटर. तो ये उस साइड से भी होगा. तो अब हम पहले एक लाइन बनाएंगे, लेकिन उस लाइन की लेंथ क्या होगी, उस लाइन की जो लेंथ होगी वो होगी 11.4 प्लस 3.2 प्लस 3.2, तो ये हो जाएगा 17.8 सेंटीमीटर. इट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ द लाइन ऑफ 17.8 सेंटीमीटर. अब ये जो लाइन हमने अभी ड्रॉ की है, इसकी जो लेंथ है वो है 19, लेकिन क्यों मैंने इसको कन्वर्ट किया हुआ है तो ये हो जाएगा 1.9 सेंटीमीटर. तो ये 1.9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है दोनों तरफ से. अच्छा, अब मुझे एक और लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन इसके लिए ये जो आप एरो देख रहे हैं जहाँ पे ये एरो प्रोजेक्टेड है, इस लाइन की लेंथ हमें गिवन नहीं है. तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 11.4 है इसका कर लेंगे हाफ, और उसके साथ जो 64 है मींस जो मैंने कंसीडर किया वो है 6.4, तो 6.4 का हाफ करेंगे तो 3.2 हो जाएगा, 11.4 का 5.7 हो जाएगा. तो अब हम क्या करेंगे, 5.7 माइनस 3.2, तो इस लाइन की लेंथ, इस पोर्शन की लेंथ जो हो गई वो हो गई 2.5 सेंटीमीटर. अब क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर हमें ये रेडियस गिवन है 3.2, तो हम प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5.7. तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली 5.7 सेंटीमीटर की फ्रॉम बोथ साइड्स. इसके बाद ये वर्टिकल लाइन हम बना रहे हैं, इसकी जो लेंथ गिवन है हमारे पास वो है 4.5 सेंटीमीटर. उसके बाद हम ये स्मॉल लाइन बना रहे हैं, इसकी जो लेंथ है वो है 1.3 सेंटीमीटर. उसके बाद ये नीचे की तरफ जो लाइन बनेगी, इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 5.1 सेंटीमीटर. अब जो रहता है वो है होल्स. अब होल्स की प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे ये लाइन अरेज कर रहा हूँ, लेकिन आपने अपनी ड्राइंग शीट में लाइन अरेज नहीं करनी, मैं जस्ट आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ. अब देखें ये 3.2 सेंटीमीटर
अपर होल्स का क्या है, सेंटर, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे और 3.2 सेंटीमीटर का पॉइंट मार्क करेंगे, उस पॉइंट पे आपसे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखें यहाँ पे ये जो होल्स हैं हमारे पास, इन होल्स का जो डाया है वो है 12, तो इसको हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियस इसका हो जाएगा 11, मींस 1.1 सेंटीमीटर। तो अब आपने क्या करना है, इस सेंटर पॉइंट से लेफ्ट साइड पे आपने 0.55 सेंटीमीटर का एक पॉइंट मार्क करना है और 0.55 सेंटीमीटर का राइट साइड पे। तो इन दोनों पॉइंट्स पे आप हिडन लाइन बना लेंगे तो ये टोटल लेंथ हो जाएगी 1.1 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से ये प्रोजेक्शन बनेगी होल्स की। और इसके बाद हमने क्या करना है, हमें एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, इसके बाद ये फ्रंट व्यू कम, एज यू नो द फ्रंट व्यू इज़ कम्प्लीट, नाउ वी विल ड्रॉ द टॉप व्यू। तो अगर आप इस फिगर को टॉप व्यू से विजुलाइज करें तो ये जैसे मैंने लाइंस बनाई हैं तो कुछ इस तरह की प्रोजेक्शन बन जाएगी। ये जो लाइन पहले से मैंने ड्रॉ की है इसकी लेंथ है 11.4। उसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन बनेगी इसकी लेंथ होगी 6.4। उसके बाद 11.4 एंड 6.4, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल की तरह बन जाएगा। उसके बाद ये जो 6.4 सेंटीमीटर वाली हमने लाइन बनाई है इसका इसके हाफ पे मींस होगा 3.2 इसका सेंटर होगा, उस सेंटर पे आपने एक पॉइंट मार्क करना है। तो उस सेंटर से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास होल्स हैं जो कि इस प्रोजेक्शन में एक सर्कल दिखाई दे रहा है, तो हम ये सर्कल ड्रॉ करेंगे दोनों साइड से। तो सर्कल की जो है हमारे पास रेडियस है वो है 1.1 सेंटीमीटर। तो मींस आप क्या करेंगे, 1.1 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करेंगे और यहाँ सेंटर पर रख के एक स्मॉल सर्कल बनाएंगे और उस साइड भी आप यही डायमेंशन से सर्कल बनाएंगे। उसके बाद आपने कंपास लेना है और उसको ओपन करना है अप टू 3.2 सेंटीमीटर और स्मॉल सर्कल के सेंटर से आपने हाफ सर्कल बनाना है दोनों साइड से, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है।
उसके बाद मैंने ये लाइन अरेज की है, लेकिन आप लोगों ने नहीं करनी, ये मैंने समझाने के लिए की है। आप लोगों ने जस्ट इसको देख के पॉइंट्स लगानी है। अब ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, इसकी लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, मीन्स आपने 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क करना है। उसके बाद ये लाइन बनेगी ऊपर की तरफ, इसकी जो लेंथ है वो है 6.4 सेंटीमीटर। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट लगाना है आपने। अब ये पॉइंट जो हम लगाएंगे वो होगा 1.3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। वहाँ से फिर हम ऊपर एक लाइन बनाएंगे 5.1 सेंटीमीटर की। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी 3.8 सेंटीमीटर की। देन अगेन हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे इस लाइन को 5.1 सेंटीमीटर और उसके बाद 1.3 एंड 6.4 सेंटीमीटर की लाइंस बनेंगी। एंड लास्ट में ये लाइन ड्रॉ करेंगे। नाउ आवर टॉप व्यू इज कंप्लीट, नाउ वी विल ड्रॉ द साइड व्यू। नाउ आवर फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू इज कंप्लीट, नाउ वी विल ड्रॉ द साइड व्यू। इस फिगर को अगर आप साइड से विजुलाइज करें तो जो ये जो मैंने एरोज लगाए हैं तो इसकी प्रोजेक्शन बनेगी। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब इस जो फर्स्ट लाइन हमने बनाई है, इसकी जो लेंथ है वो होगी 6.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हम ये दूसरी लाइन बनाएंगे 1.9 सेंटीमीटर की। उसके बाद इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक रेक्टेंगल। उसके बाद हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। अब उसकी लेंथ आपको पता है 4.5 सेंटीमीटर है, तो 4.5 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे। उसके बाद 6.4 की, देन अगेन 4.5 सेंटीमीटर की। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ से 1.3 के डिस्टेंस पे
आप ये हिडन लाइन लगाएंगे। उसके बाद ये स्लोप हम बनाएंगे। तो स्लोप के लिए जस्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को से एक हिडन लाइन बना देंगे। सो गाइज, नाउ ऑल थ्री व्यूज आर कंप्लीट। You can see these projections are in third angle of projection, and now it's all done. So thank you for watching the video, and one thing more, don't forget to like, comment and subscribe. Thank you.